के शहीदों की याद में 10वीं मुहर्रम पर आज शहर के मोमिनपुरा परिसर में जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम मनाया जाता है। दरअसल मुहर्रम एक महीना है। इसी महीने में इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन के अनुयायी खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं और इसी श्रृंखला में मोमिनपुरा परिसर में मुहर्रम के दिन जुलूस निकाला जाता है। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया था, लेकिन इस साल सभी पाबंदियां हटा दी गई है, जिसके बाद आज मुहर्रम के दिन मोमिनपुरा परिसर से जुलूस निकाला गया। इस दौरान नौशाद अली हैदरी इन्होंने कहा कि आज बड़ा ही गम का दिन है। मौला इमाम हुसैन इन्होंने पूरे दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए करबला में कुर्बानी दी है। वे किसी एक जात के, धर्म के नहीं है, वे सभी इंसानियत के है और उन्हीं के याद में मातम मनाकर ये जुलूस निकाला जाता है। प्रेसिडेंट हूं मैं, अध्यक्ष हूं मैं जमात का, श्री हैदरी मस्जिद ट्रस्ट का, और आज यौम आशूरा है। दुनिया का सबसे बड़ा गम का दिन है आज। आज जो मुसलमान सर उठा के चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि आज के दिन की कुर्बानियाँ दी गई है। आज अगर मुसलमान की कोई आइडेंटिटी है, मुसलमान पहचाना जा रहा है कि ये मुसलमान है, तो उसकी वजह सिर्फ आज का दिन है यौम आशूरा, जो करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घर वालों की शहादत दी, खुद की शहादत दी, अपने जवान भाई की, जवान बेटे की, 6 महीने के बच्चे की शहादत दी। उनकी बच्चियां, बहनें बेपर्दा दर दर घुमाई गई, बहुत जुल्म सहा वो लोगों ने। सब होने के बाद आज करबला जब हुई तो आज ये मुसलमान कौम जिंदा है। जो आज हमारी नमाजें बाकी है, जो आज हमारी इंसानियत बाकी है, तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मसलक, किसी एक अकीदे के इंसान नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए करबला में कुर्बानी दी, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, क्रिश्चनों के भी है, सरदारों के भी, हर कौम पुकारती है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दिया, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाने की कुर्बानी दी है। यजीद पलीत जो था, जो मलाउन, जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, वो जो ग्रुप था, उनके अंदर ना बेटी को बेटी, ना बीवी को बीवी, ना बहन को बहन समझा जाता था। अगर उनका दौर चलता, वो चाहते थे कि मौला इमाम हुसैन उनकी बात मान ले, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी बात नहीं मानी। अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी बात मानते तो उनके हिसाब से ये दुनिया में आज ना बेटियों की इज्जत बाकी रहती, ना पर्दा बाकी रहता, ना बहनों की इज्जत बाकी रहती, ना बीवियों की इज्जत बाकी रहती, कुछ भी बाकी नहीं रहता। सारा आलम नफ्सा नफ्सी का आलम होता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। आज पूरे आलम में, अगर पूरी दुनिया में इंसानियत बाकी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के कारण बाकी है। और वो कुर्बानी आज के दिन आशूरे के दिन हुई, जो सवेरे से लेकर कुर्बानी शुरू हुई है, तो नमाज आशूरे तक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी कुर्बानियाँ दी, अपने घर के बड़ों के, बच्चों के, एक एक छोटे छोटे जवान के, बूढ़ों के लाशें उठा के खैमे में लेके आए। आखिरी में नमाज आशूरे के बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, जिनका लाशा भी कोई उठाने वाला नहीं था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मोमिनपुरा परिसर से ये जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। मातमी पर्व मुहर्रम के तौर पर मनाया जाता है। हम मोमिनपुरा में हैं और मोमिनपुरा में जो है मुहर्रम का जुलूस जो है निकाला जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं जुलूस में। आप देख पा रहे हो कि ये जुलूस निकल चुका है। मुहर्रम का ये पर्व है, ये मातमी पर्व के तौर पर मनाया जाता है और उसी के चलते ये जुलूस हर साल निकाला जाता है। बीते 2 सालों से ये जुलूस नहीं निकाला गया था कोरोना के चलते, लेकिन उसके बाद इस साल जो है सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं सरकार की ओर से, और उसके बाद जो है इस साल मुहर्रम के पर्व पर निकाला जाने वाला जुलूस जो है इस साल निकाला गया है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।